स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। स्वाति जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये टोपी ट्रांसफर का काम क्यों शुरू हो गया है? आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आप पर कब तक चलेगा? बेटियों के मामले में इस तरह का पॉलिटिक्स, इस तरह की राजनीति क्या होना चाहिए पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को हमारे देश में डर लगता है। लोगों को लगता है, क्रिमिनल्स को स्पेशली, कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कुछ भी गलत कर देंगे तो ये सिस्टम उन्हें बख्श देगा, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। पहले अंजलि, अब ये, और बीच में हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास 6 से ज्यादा रेप केसेस आए हैं, और हर दिन 2000 से ज्यादा कॉल्स महिलाओं की और बच्चियों की हमारी 181 विमेन हेल्पलाइन पे आई है। चाहे वो स्टॉकिंग का केस हो, चाहे वो साइबर बुलिंग का केस हो, चाहे वो रेप केस हो, सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, ये लड़कियां, महिलाएं चिल्ला रही हैं, दिल्ली महिला आयोग चिल्ला रहा है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल चुप बैठा है। मेरी सिर्फ एक अपील है, इस केस के बाद कितनी लड़कियां और मरेंगी तब जाके हम जगेंगे। मेरी ये अपील है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार तुरंत एक मीटिंग बुलाए, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाए, जिसमें दिल्ली के LG हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, पुलिस कमिश्नर हो, और दिल्ली महिला आयोग को प्लीज बुलवा लीजिए। मैं बताना चाहती हूं कि क्या हाल है दिल्ली में। लड़कियां निकलती हैं सड़क पे, 16-16 साल की लड़कियों को 40-40 बार चाकू से बुरी तरीके से मार दिया जाता है, ईंटों से, पत्थरों से मारा जाता है, लोग आसपास से निकल रहे होते हैं और कोई मदद नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप्स लिए जाएं। अगर स्टेप्स लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो अपने आप ही राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि काम करते हुए तो दिखना पड़ेगा ना। आज क्रिमिनल के अंदर क्या मैसेज है, कुछ भी कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली में तो वैसी लड़ाई शुरू हो जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो कैसे क्रिमिनल्स के ऊपर काबू पाई जाएगी? यही तो सवाल है ना, ये हो भी रहा है अभी। और स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे, देखिए मैंने बहुत संवेदनशीलता देखी है आपको लड़कियों के मामले में, लेकिन जरा कुछ तीखे सवाल भी हो जाए। दिल्ली सरकार को पता है कि दिल्ली पुलिस उसके अधीन नहीं है, तो बार बार ये रोना कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, ये होता तो वो हो जाता, ये तो अभी है नहीं, आगे कब होगा ये भी नहीं पता। लेकिन जो आप लोगों के हाथ में है, दिल्ली की सरकार आने के साथ ही बाउंसर्स का वादा की थी, हर जगह लड़कियों को सुरक्षा दी जाएगी उसका वादा किया गया था, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, लेकिन मॉनिटर कौन करता है? और इस तरह की घटना जब हो रही होती है उस समय रोकने का कोई भी प्रयास क्यों नहीं होता है? 45 मिनट के बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। दिल्ली सरकार का रोल है या फिर नहीं है, या कैमरे लगाकर छोड़ दिया गया है? जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या करता है दिल्ली पुलिस, आम आदमी पार्टी का? स्वाति जी, जी मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी और आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो तीखे सवाल हैं, अगर हम दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से भी पूछें तो बहुत बदलाव हो जाएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जिस जगह की, जिस राज्य की पुलिस सुधर जाएगी, अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि केंद्र सरकार को तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए, और मैं बिल्कुल मानती हूं कि दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के भी बहुत सारे काम हैं जो कि बेटर होने चाहिए। जैसे अगर आप स्ट्रीट लाइट्स की हालत, रात में अगर आप स्ट्रीट लाइट्स के लिए रात में निकलते हैं तो काफी स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, तो वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे सीसीटीवी कैमरास, तो खैर हमें मानना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार ने अच्छा काम करा है, और ये वाली भी वीडियो अगर आप देखें तो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है, जिस वजह से वो आदमी तुरंत पकड़ा गया है। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली सरकार के काम हैं, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के बिना या कोई भी देश की पुलिस के बिना क्या क्रिमिनल्स के ऊपर काबू पाया जा सकता है? तो बहुत जरूरी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूं मैं कई बार टाइम मांग चुकी हूं केंद्र सरकार से इस इशू के ऊपर डिस्कशन करने की। मैं ये मानती हूं कि हर हफ्ते, आज स्थिति ये है कि हर हफ्ते दिल्ली में केंद्र सरकार को ये बैठक बुलानी चाहिए, LG साहब को बुलाए, मुख्यमंत्री को बुलाए, पुलिस कमिश्नर को बुलाए, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुलाए, और हर हफ्ते हम बात करें। अंजलि का केस है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, उसके बाद अब ये केस हो गया, फिर कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती, तो कहां है, कौन जवाबदेही तय करेगा? दिल्ली महिला आयोग तो काम कर रहा है, हम नोटिस भी इशू करते हैं, लेकिन क्या होगा? अल्टीमेटली तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिलकर समन्वय नहीं बनाए, और उसमें बहुत जरूरी है कि बहुत दूर की बात आपने बोल दी। निर्भया के मुद्दे पर हम सब ने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार आपस में बैठे, दोनों के बीच जब पॉलिटिक्स खत्म होगी तब तो दोनों आपस में बैठेंगी,
और हमला दोनों ही तरफ से किया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाए। और यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बेटियों के मामले में भी इस तरह की पॉलिटिक्स आखिर नेताओं की ओर से क्यों की जाती है। साक्षी की हत्या पर दोस्त नीतू का बड़ा बयान सामने आया है। साहिल को साक्षी 3-4 साल से जानती थी, नीतू की ओर से ये जानकारी दी गई है। कुछ दिनों से साक्षी और साहिल में लड़ाई चल रही थी। कौन है लड़का जिसने? साहिल नाम का लड़का है। साहिल नाम का, कितने दिन से इस लड़की से मिला? सर मेरी मतलब मेरे को जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए होंगे इस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानते थे? आपको मालूम था इसको लड़की का? 3-4 साल नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई इसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्त थी। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात? बात बात ना कर रही थी वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी। मुझे मिलती है बाजार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए, फिर वहाँ से सीधा कहती है नीतू दीदी तो आप घर जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जा रही हूँ मैं। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आई। नीतू को आप सुन रहे थे कपिल मिश्रा जी बिना देर के आपके पास आते हुए। 3-4 सालों से साक्षी जानती थी साहिल को, दोनों के बीच दोस्ती भी थी। देखिए मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि क्यों हत्या तक नौबत पहुंची, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव था, या नीतू शादी के लिए कहने लगी थी और साक्षी शादी से बच रहा ये मना कर रहा था साहिल, क्योंकि हमने निकिता तोमर के मामले में यही बात देखी। निकिता तोमर ने मना किया तो उनको गोली मारी गई। अंकिता के यहाँ पे मैं गया दुमका में, वहां पर उस बिटिया ने मना किया तो मारा गया। श्रद्धा ने भी यही कहा था कि मेरे को अब शादी करनी है, जब आफ्ताब ने, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता तो उसने बचने के लिए अंत में मार दिया जाए, यही उसने सोचा। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ इन सभी पहलुओं की जांच भी होनी चाहिए, नियत की भी जांच होनी चाहिए, मोटिव की भी जांच होनी चाहिए। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को नकारो मत, बेटियों के जीवन का सवाल है, हर एंगल को स्वीकार करो, चर्चा करो, जो एंगल सही लगे उसके ऊपर पुलिस और न्यायपालिका निर्णय लेगी, लेकिन अभी से चर्चा बंद कर दी जाए, बात ना हो, नकार दिया जाए एक पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि किसी किसी के पेट में दर्द होता है, किसी की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, ऐसा मत करो। बेटियों के प्राणों का सवाल है, हर एंगल से चर्चा होने दो। को जोड़कर वो कह रहे हैं हर एंगल से चर्चा हो, इसको इनकार तो नहीं किया जा सकता है जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। चित्रा जी ये चर्चा तक रहना चाहते हैं, हम चर्चा से आगे सजा पर आना चाहते हैं। आफताब का मामला 1 साल हो गया, कौन बचा रहा है, क्यों अभी तक वो हमारे बीच जिंदा है, क्यों उसे फांसी की सजा नहीं हो गई, क्यों? क्योंकि मामला फास्ट ट्रैक में नहीं है, मामला स्पेशल कोर्ट में नहीं है, मामले को जिंदा रखा जा रहा है ताकि चर्चा होती रहे उसमें। हम आज भी मांग करते हैं साहिल वाले इस मामले में दम हो तो केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करिए और 1 हफ्ते में साहिल को फांसी की सजा दीजिए, हमारी बेटी के साथ न्याय करिए। पर एक लाइन में कपिल मिश्रा जी हो गया ऐसा या सिर्फ चर्चा ही होती रही? नहीं, मैं भी ये बात मानता हूँ, वीडियो सामने है, सबूत सामने है, हथियार सामने है, गवाह सामने है और साहिल फांसी पे लटकना चाहिए। अगर साहिल फांसी से बच जाता है 100 दिन के अंदर लटका हुआ नहीं दिखता। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, यकीनन उसको उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए और इसके पीछे का सच क्या है वो भी हिंदुस्तान के देश के सामने आना चाहिए। लेकिन तमाशबीन लोगों से भी यह गुजारिश है, अगर आप डर जाएंगे तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज किसी दूसरे घर की साक्षी के साथ ऐसा हुआ, कल आपके घर में भी ये नौबत आ सकती है। इसीलिए कहीं भी अगर इस तरह की तस्वीर हो तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर की इंसानियत को जिंदा रखिए।